प्रणाम, मैं बबीता डबास दिल्ली से सुकन्या केयर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे आदरणीय भगवान नारायण जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी गुरु माँ आदरणीय संध्या मोहंती को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा आपको चमत्कार बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे पति हैं जो कि कभी मेरी मतलब बातों को नहीं मानते थे और मेरे काम को लेकर अक्सर मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे, गालियां देते थे, मुझे बोलते थे क्यों करते हो ये काम। एक दिन अचानक रात को वो पानी पीने के लिए उठे और उनको खांसी हुई। खांसी होते ही वो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए और उनका सर दीवार में जाके लगा। बहुत उस टाइम मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो साथ में एक पानी की मटकी रखी थी, तो वो पानी मतलब टेढ़ा हो गया वो मटकी और पानी सारा नीचे गिर गया। और जैसे ही वो पानी में उनके नीचे से गया तो वो उनको अचानक होश आ गया और वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा आप उठो, देखो आप सारे भीग गए हो। तो वो उठे तो उनसे चला नहीं जा रहा था, बहुत दर्द था, उनके कूल्हे में चोट लगी और सर में भी बहुत चोट आई। रात का टाइम था, मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने यहीं सुकन्या केयर का सैनिटरी पैड उठ लिया और एक उनके सर पे लगाया और एक उनके कूल्हे पर। फिर वो आराम से सो गए और जब वो सुबह उठे तो मैंने पूछा कि दर्द कैसा है, तो उन्होंने कहा कि सर में तो बिल्कुल ठीक है, कुछ दर्द नहीं है, लेकिन कूल्हे में हल्का फुल्का दर्द था। और फिर मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि क्या ये काम सही किया मैंने या गलत किया, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा है। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, बल्कि वो इस काम को लेकर के मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और मेरी बातों पर भी यकीन करते हैं। धन्यवाद।